तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल जो भी चैप्टर नंबर 3 है वो हम लोग पढ़ रहे थे, और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जिसमें कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जो शो करता है उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, साथ साथ मेटल की रिफाइनिंग कैसे की जाती है वो भी हम लोग इसमें जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो जो भी मेटल्स है जो कि वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज में हाई पोजीशन पे रखते हैं, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्मीनियम, ये सबको कार्बन के द्वारा एक्सट्रैक्ट जो हम लोग कर रहे थे मिडिल एक्टिविटी सीरीज में, कार्बन के द्वारा रिडक्शन करते थे, वो संभव नहीं है, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इनके जो क्लोराइड्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा कार्बन जो है वो उनसे कम रिएक्टिव होता है, इसके कारण से वो उसको रिमूव नहीं कर पाता है। अगर ज्यादा रिएक्टिव होता तो करता, लेकिन यहाँ पे आप कार्बन का पोजीशन देखो तो लगभग यहाँ पे होता है। अब ये जो जिंक है, आयरन है, ये सब मिडिल एक्टिव, ये सबको तो कार्बन जाकर रिड्यूस कर दे रहा था इनके ऑक्साइड को, लेकिन यहाँ पे अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा तो ये कार्बन थोड़ी करने वाला है इनको। तो ये इसमें और सिंपल हीटिंग से भी इनका एक्सट्रैक्शन संभव नहीं है, जो हायर रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम पोटासियम, तो इनको अलग ही उपाय करना पड़ता है, इसके कारण से ये एक्सट्रैक्शन इनका संभव होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब इनका उपाय क्या है, कैसे इनको निकालते हैं, तो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये ऑप्टेन किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा, और इन देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, ठीक है, इनके क्लोराइड्स पहले बनाने पड़ेंगे। क्लोराइड्स बनाने के बाद इसको हाई हीट किया जाएगा, जिसके कारण ये मेल्टिंग पॉइंट को पार करके ये मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म पे आ जाएंगे। अब लिक्विड फॉर्म पे हो जाने के बाद कोई भी आयनिक कंपाउंड अगर लिक्विड फॉर्म पे हो जाता है तो वो करंट को कंडक्ट कर ले, उसके बाद कैथोड और इलेक्ट्रोड डाल के उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वो एलिमेंट हमारे अलग हो जाएंगे। उसमें जो एलिमेंट है जैसे सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल अगर हम लेके जाते हैं तो वहां पे हमें सोडियम और क्लोराइड हमें मिलने लगे, तो यहां से हमें सोडियम प्राप्त होगा। तो एसिड बेस साल्ट में भी मैंने साल्ट में बताया था कि साल्ट का जो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे मोल्टन स्टेज में तो वहां से हमें NaCl प्राप्त होता है, सोडियम प्राप्त होता है, ओके। तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। तो यहाँ पे अगर कैथोड पे बात करें तो सोडियम आयन जो होगा मोल्टन स्टेज में, वहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और वहां पे ये सोडियम मेटल का फॉर्मेशन करेगा, और वहीं पे क्लोरीन का जो है वो एनोड पे यहाँ पे एक दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा एट एनोड, और वहां पे यहाँ पे क्लोरीन गैस हमें ऑप्टेन होगा। सेम रिएक्शन हो जाता है मैग्नीशियम के साथ, Mg के साथ, कैल्शियम के साथ, सबके साथ, पोटेशियम के साथ, सबके साथ सेम रिएक्शन होगा, ठीक है। सबके क्लोराइड का पहले हम लोग मोल्टन स्टेट में लेके आएंगे, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब मोल्टन स्टेट में आएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि NaCl का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कैथोड पे, तो कैथोड जो होता है वो निगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, निगेटिव टर्मिनल होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और सोडियम आयन के साथ ये जुड़ के ये सोडियम मेटल यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा। वही एनोड की बात करें तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये आयन्स हैं, जो क्लोरीन आयन्स है वो क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन करेगा, प्लस दो इलेक्ट्रॉन वहां पे इलेक्ट्रॉन में चला जाएगा, ठीक है। इसे सर्किट पूरा होगा और भी मैं डायग्राम से इसको भी दिखाता हूँ। तो यहाँ से इसका हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, सिंपली इसको मेल्ट कर देना है इसके क्लोराइड को और उसका उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर देना है, तो वहां पे हमें ये मेटल प्राप्त हो जाएंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। तो जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सबका डिस्कवरी जो हुआ है बहुत लेटेस्ट हुआ, मतलब 200-300 साल पहले हुआ है। क्यों? क्योंकि इस समय ही इलेक्ट्रिसिटी है, उसके पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट नहीं था, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी की कंसेप्ट है उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस किया गया इनके मोल्टन साल्ट को, तो वहां पे हमें अलग अलग मेटल्स यहाँ पे प्राप्त होने लगे। तो यहाँ पे अगर एक चीज और ध्यान देने वाली नोट में जरूरी है, तो मेटल्स आर डिपॉजिट एट कैथोड द निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, जो निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है वहां पे हमें मेटल्स मिलेगा, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आयन बनते हैं मेटल्स के, तो वो निगेटिव के साथ अट्रैक्ट करेगा, तो वहां पे कैथोड पे हमें मेटल्स प्राप्त होगा। और जो क्लोरीन है, जो दूसरा पार्ट है, जो निगेटिव आयन होते हैं, मतलब कि एनायंस जो होते हैं, वो जाके एनोड पे हमें मिलेंगे, वहां पे हमें क्लोरीन वहां पे मिलेगा जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो मेटल्स हमेशा हमें कैथोड पे प्राप्त होगा, ठीक है, ये बताने की कोशिश करें। अगर अल्मीनियम का ही बात करें तो अल्मीनियम का भी सेम प्रोसेस होता है, यहाँ पे अल्मीनियम ऑक्साइड हम ले लेंगे Al2, यहाँ पे अल्मीनियम क्लोराइड से नहीं, अल्मीनियम ऑक्साइड से किया जाता है, इसको अगर हाई हीट करेंगे तो ये अल्मीनियम आयन 3+ ऑक्सीजन आयन 2-, ये आयन से टूट जाएगा एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, यहाँ पे अल्मीनियम 3 आयन प्लस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अल्मीनियम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे एनोड पे होगा कि ऑक्सीजन O2 नेगेटिव आयन, यहाँ पे O2 रहेगा, O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से
कैथोड और एनोड पे ऑक्सीजन यहाँ पे निकलेगा, एनोड पे ऑक्सीजन निकलेगा और कैथोड पे एल्युमिनियम यहाँ निकलेगा। तो एल्युमिनियम को भी निकालने का भी सेम प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस का ही होता है, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड का यूज करता है, क्लोराइड का नहीं ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सारे जितने भी रिएक्टिव मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल सबका पढ़ लेते हैं, यहाँ पे हम लोग समराइज कर लेते हैं कि ओर से हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करें। तो ओर सबसे पहले हम लोग जाने थे, तो ओर्स के बाद हम लोग सबसे पहले उसको कंसंट्रेशन पे लाएंगे, ठीक है, उसके परसेंटेज बढ़ाएंगे, ओर्स की परसेंटेज बढ़ाएंगे क्योंकि प्रॉफिटेबल हो निकालना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हम अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसको क्या करते हैं, मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी तो जो ओर्स रहेगा उसको हम लोग मोल्टन स्टेट में कर देंगे, अगर क्लोराइड्स ओर लेंगे और एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम के लिए ऑक्साइड लेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे मोल्टन ओर को और यहाँ पे हमें प्योर मेटल प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है तो उसको दो प्रोसेस में लेके जाएंगे, उसके ओर को या तो कार्बोनेट ओर होगा या सल्फाइड ओर होगा, ठीक है, मिडिल रिएक्टिविटी दोनों में पाया जाता है। तो उसका अगर कार्बोनेट ओर है तो उसका कैल्सिनेशन करेंगे और अगर सल्फाइड ओर है रोस्टिंग करेंगे, दोनों से हमें ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिल जाएगा। जैसे ही ऑक्साइड्स ऑफ मेटल मिला तो या तो इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल को है उससे रिएक्ट कर देंगे या फिर कार्बन से इसको रिड्यूस करके हमें यहाँ पे प्योर मेटल प्राप्त होगा। तो आयरन इसी रूप से निकाला जाता है और इस रूप से सोडियम निकाला जाता है या कैल्शियम निकाला जाता है या एल्युमिनियम निकाला जाता है, इससे जिंक निकाला जाता है मिडिल रिएक्टिविटी से। अब मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी जैसे कि कॉपर हो गया, मर्क्यूरी हो गया, सिल्वर हो गया, इन लोगों के साथ क्या करते हैं, सल्फाइड ओर में फाइंड होगा, अगर सल्फाइड ओर में जैसे कि क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S के फॉर्म में फाइंड होता है तो इसको रोस्टिंग कर देंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई में हीट करेंगे, यहाँ पे जो डायरेक्टली यहाँ पे हमें मेटल मिल जाएगा, उससे ऑक्साइड बनेगा, उसका वापस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, जैसे मैंने बताया वीडियो में पिछले वीडियो में, तो वहां पे हमें मेटल प्राप्त हो जाएगा। उसका फर्दर उसको रिफाइनिंग करेंगे तो वहां पे हम लोग रिफाइन करके उसको मेटल को निकाल सकते हैं। तो अभी तक तो हम मेटल्स को निकाल रहे हैं, ठीक है, तो स्टेप्स हमने सारे देख लिया, मिडिल रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी, तो अभी हमें मेटल प्राप्त हो गया। इसमें भी हो सकता है कि बहुत सारा एम्प्योरिटी हो, अब इसको भी तो फर्दर रिफाइनिंग करना पड़ेगा, तो वही अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स के, ठीक है। मेटल्स प्रोड्यूस आर वेरियस रिडक्शन प्रोसेस, बहुत सारे रिडक्शन प्रोसेस है, रोस्टिंग प्रोसेस है, ऐसे करते करते हम लोग को मेटल्स हमें मिल तो गया, लेकिन जो मेटल्स फाइनली हमें मिला वो इम्प्योरिटी से भी भरा पड़ेगा, विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल। जैसे कि अब हम लोग आयरन का अगर रिफाइन करते हुए गए, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन करते करते हमें फाइनली आयरन तो प्राप्त हो गया, लेकिन पता चला कि उसमें 3-4% इम्प्योरिटीज, ठीक है, तो वो इतना इम्प्योरिटीज रहेगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, वो उसकी प्रॉपर्टी ढंग से सो नहीं होगी, उसका हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं सकते, वो काफी टूट जाएगा, उसका ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको फर्दर रिफाइन करते हैं। तो मोस्ट वाइडली मेथड है फॉर रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है, सिर्फ यही मेथड नहीं होता है, इसके अलावा भी और भी मेथड होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जनरली यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए ये हमें कोर्स में भी है, ये हमें पढ़ना भी है, ठीक है। तो मेनी मेटल सच एज कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आर सबको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन किया जाता है, आयरन को इस प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है, उसको दूसरे प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। तो ये सब जो है कॉपर, जिंक, इन लोग को इसी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से रिफाइन किया जाता है। अब ये करते कैसे, कॉपर का एक्सट्रैक्शन किए, कॉपर का हमें ब्लॉक मिल गया जो कि मेटल के फॉर्म पे है, लेकिन इसमें मान लेते हैं 5% इम्प्योरिटीज है, ठीक है, 95% ही प्योर है, 5% इम्प्योरिटीज है। अब क्या करेंगे, इसको हमको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के से हमें रिफाइन करना 100% पे लेके आ रहा है, 99.99% प्योर पे लेके आना है, ओके। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो मेटल्स हमें जो मिला है, ठीक है, तो एनोड पे यहाँ पे क्या करेंगे, हम वो मेटल को लगा देंगे, जो इम्प्योर मेटल हम लोग एक्सट्रैक्शन करके निकाल के लेके आए वहां पे, ये जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हैं ये उसी मेटल करेगा, एक ब्लॉक बना देंगे, बड़े बड़े कुंदे बना देंगे, उसमें एनोड पे इसको हम लोग जोड़ देंगे, एनोड मतलब की पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड पे क्या करेंगे, जो मेटल है जैसे कॉपर है यहाँ पे, तो कॉपर का ही एक पतला सा स्ट्रिप ले लेंगे जो कि 100% प्योर होना चाहिए, ठीक है, उस पतले स्ट्रिप को यहाँ पे हम लगा देंगे, ठीक है, और ये जो पूरा जो सॉल्यूशन है ये एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि CuSO4 कॉपर सल्फेट हो गया, इसमें वाटर डाले, ठीक है, कॉपर सल्फेट तो अच्छे खासे मात्रा में रहेगा, वाटर के साथ इसको डिजॉल्व कर लिया, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, 2-3% में इसमें H2SO4 भी मिला दें, ठीक है, तो ये 2-3% पे रहेगा, 2% पे मान के चलो, तो इतना परसेंट में इसको मिला, तो ये एसिडिफाई हो, ये पूरा सॉल्यूशन एसिडिफाई हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या,
और इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इम्प्योर जो मेटल हमारे पास लगा हुआ है नोट पे, ये धीरे धीरे गलते चला जाएगा, ये धीरे धीरे लॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो मेला पतला स्ट्रिप था उस पर ये कॉपर डिपॉजिट होते जाएगा, और डिपॉजिट होते यहाँ पे जो हमारा पूरा प्राप्त होगा, पूरा रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद, तो यहाँ पे 100% प्योर हमें कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एनोड मड जिसको बोलते हैं, इसमें जो इम्प्योरिटीज होगी वो इसमें आ जाएगी, साथ साथ कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होगी वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो कैथोड पे जो हमें प्राप्त होगा, जो पतली स्ट्रिप थी उसके ऊपर से डिपॉजिट होते चली जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये 100% प्योर कॉपर हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। तो अब ये पूरा रिएक्शन होता कैसे है ये हम लोग समझते हैं। सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, वाटर में डिजोल्व रहेगा तो ये कॉपर आयन और सल्फेट आयन में टूट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉपर आयन भी है और सल्फेट आयन भी है। अब एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो इम्प्योर कॉपर है, अब कॉपर है, इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही यहाँ पे हम लोग पास होगा तो कॉपर आयन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। ठीक है, यहाँ पे कॉपर आयन यहाँ से निकल जाएंगे बाहर, जो कि सॉल्यूशन में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, कॉपर आयन आ गए। अब इस सॉल्यूशन में जैसे ही कॉपर आयन आया तो इसमें पहले से ही मौजूद कॉपर आयन और सल्फेट आयन इसमें पहले से मौजूद है, वो एक कॉपर आयन इस इम्प्योर मेटल से सॉल्यूशन पे आया जैसे आप देख सकते हो, और इस सॉल्यूशन में जो ऑलरेडी मौजूद कॉपर आयन था वो एक मतलब कि जो आयन है कॉपर आयन वो चला गया इस स्ट्रिप पे और यहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो गया। एट कैथोड पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव आयन पे कॉपर आयन था, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एड हुआ कैथोड से और यहाँ पे कॉपर के फॉर्म पे आ गया और ये इससे जाके चिपक गया। ठीक है, अब एक एक करके होगा क्या कि एक एक कॉपर आयन इससे निकलते जाएगा जो सॉल्यूशन जाएगा और सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो मौजूद है वो इस पे डिपॉजिट होगा, ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। तो नेट में ये समझ में आ रहा है कि जो सॉल्यूशन में जितने कॉपर रहेंगे कॉपर आएंगे उसकी नंबर चेंज नहीं होने वाली, एनोड से एक एक आते जाएगा और कैथोड पे एक चला जाते जाएगा, एनोड से जो आएगा सॉल्यूशन आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑलरेडी जो प्रेजेंट था वो चला जाएगा कैथोड पे आकर डिपॉजिट होता जाएगा, इसलिए सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, उसमें कॉपर आयन की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला, लेकिन एनोड से एक एक गलते जाएगा और एक एक डिपॉजिट हो जाएगा। ये बहुत फास्ट प्रोसेस होगा, एक एक का मैं एग्जांपल लूंगा, ट्रिलियंस ऑफ आयंस वहां से निकलेंगे और ट्रिलियंस ऑफ आयंस यहाँ पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे, इस तरह से बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, यहाँ पे हमारा कॉपर रिफाइन होके आ जाएगा। तो यही इसका पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, सिंपल में समझने के लिए यही है, और इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम प्रोवाइड करेंगे, इसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो लग रहा है यहाँ से जो ट्रांसफर कर रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पे इसी का उपयोग करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग प्रोसेस कहते हैं, इससे हम लोग प्योर कॉपर, यही सेम प्रोसेस हम लोग एल्यूमिनियम के साथ भी उपयोग करेंगे, गोल्ड के साथ भी उपयोग करेंगे, सेम प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो।